सर मैंने ये भी देखा है कोविड के बाद थिएटर बंद हो गए थे, लोग निराश हो गए थे कि पिक्चर नहीं चल रही है, उसी बीच में आपके फरिश्ते आई और लोगों ने देखा आपका ट्रेलर, ये कोई छुपा हुआ नहीं है, वर्ल्ड देख रहा है कि आपका ट्रेलर जो है ट्रेंडिंग में गया हुआ था सर, और आपकी पिक्चर हिट हुई थी। उसके बाद भी जो तमाम यूट्यूबर, पता नहीं हो सकता है कौन जी ने क्रिएट किया, कैसे आपसे जलन रखते हैं, ये क्लियर होता है आपके बारे में? सर मैं आपको सीधा बताता हूँ कि जो लोग पैदा ही हुए हैं मुझे गाली देने के लिए, उनके लिए कोई शब्द नहीं बना है। वो पैदा हुए ही हैं, जब माँ के कोख से निकले हैं तो उनको सिर्फ खेसारी नजर आया है और वो उनको गाली ही देंगे। तो ये बताइए कि जब मैं अच्छा भी करूँगा तो भगवान राम को दुनिया गाली नहीं देती है जी, कृष्ण को नहीं देती है। जिसको कृष्ण पसंद है वो राम को गाली देता है, जिसको राम पसंद है वो कृष्ण को गाली देता है। तो ये अपनी अपनी पसंद है, उसके पसंद के लिए नहीं जा सकते। लेकिन कुछ पर्सन खेसारी को गाली देने के लिए ही धरती पर आए हैं। वो कोख से निकलते ही खेसारी के दिखा है कि नहीं यार इसको तो गरियाना है हमको, तो उसके लिए कोई शब्द नहीं है। वो अपना घर चला रहा है, खेसारी को दो शब्द अगर गलत बोल के ही उसके घर चल रहे हैं, उसके घर में दो रोटी आ रहा है, तो उसके लिए वो सही है, अपना घर तो चला रहा है ना। लेकिन किसी को बुरा बोल के अगर दो रोटी अगर आपको मिलता है ना तो वो भी सही नहीं है। सर ये भी जानना चाहूंगा कि आपने सौम्या पकवान से जो कमिटमेंट किया था आपने, उसके साथ गाना भी गाया, वो फिर पवन जी के पास जाती हैं और पवन जी की तारीफ करती है, आपकी तारीफ नहीं करती है, फिर पवन जी बोलते मैं आपको गाना गवाऊंगा, सेकंडली पवन जी उनको बोलते हैं मैं आपके साथ गाना नहीं गाऊंगा। सौम्या, ये तो उनकी जुबान की बात है कि वो करते क्या है और कहते क्या है, उस विषय पे मैं नहीं कुछ बोलूंगा। लेकिन जहां तक एक आर्टिस्ट की बात है तो आर्टिस्ट आजाद पंछी है। आर्टिस्ट को अगर काम आता है तो दुनिया के किसी भी लैंग्वेज में जाकर अपने झंडा गाड़ सकता है और अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा सकता है, अपने डांस का लोहा मनवा सकता है। नहीं तो एक ये हमारी भाषा की नहीं है ना, लेकिन इनके अंदर बात है तो हमारी भाषा में काम कर रही है और ये लोगों को बता भी रही हैं कि मैं एक बेहतर एक्टर हूँ, आप देखिए, क्योंकि इन्होंने अच्छा किया है। तो किसी भी कलाकार और आर्टिस्ट के लिए भाषा मायने नहीं रखता है, जात मायने नहीं रखता, डिस्ट्रिक्ट मायने नहीं रखता, कोई जिला मायने नहीं रखता, कोई देश मायने नहीं रखता। उसकी एक्ट मायने रखती है कि वो उस एक्ट को कितना बेहतर लोगों के अंदर छोड़ रहा है, अपनी छाप को कितना बेहतर छोड़ रहा है। नहीं तो पाकिस्तान के सिंगरों को क्या हिंदुस्तान में नहीं सुना जाता है? क्यों सुना जाता है सर? क्योंकि उनके कला से उनको मोहब्बत है। और संगीत सुनने वाले और संगीत को देखने वाले लोगों को ना जाति से मतलब होता है, ना धर्म से मतलब होता है, और ना ही मजहब से मतलब होता है, और ना ही देश से मतलब होता है। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आर्टिस्ट के लिए ये बंधन बिल्कुल, कलाकार मतलब बिना आकार, जैसे निरंकार ईश्वर का कोई आकार नहीं है, उसी तरह कलाकार का कोई आकार नहीं होता है। ईश्वर की रूप ही होता है एक कलाकार, जिसको हर भाषा के लोग मानते हैं, हर मजहब के लोग मानते हैं, और हर मजहब की चीज़ें हम करके। और अपनी खेसारी अगर हिंदू है तो कभी कभी मुस्लिम का भी किरदार करता है, क्योंकि हमें करने आता है, इसलिए हम दुनिया को बताते हैं कि नहीं मुस्लिम भाई ऐसे जीते हैं, हिंदू भाई ऐसे जीते हैं। तो ज़िंदगी में एक कलाकार के लिए कोई रोल छोटा नहीं होता, वो हमेशा बड़ा ही होता है। अगर आप जी लिए तो आप बड़े बन गए, वही किरदार आपको पहचान दे दिया। अगर आप नहीं जिए